इंदौर में 44 मिनट पहले मेरी मम्मी नहीं हैं, पापा रोज़ सुबह मंडी में काम करने के लिए जाते हैं, मैं पापा के साथ रहता हूँ। उस दिन पापा घर से बाहर जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। पापा पड़ोस वाले अंकल के यहाँ गए, वहाँ कुछ देर रुके। जब वहाँ से निकले तो पापा ने एक थैली मेरे सर पर रख दी और मुझे हमारी मामी के घर छोड़ दिया। फिर पापा वहाँ से चले गए। पिता की चोरी का मासूमियत भरा कबूलनामा 5 साल के एक बच्चे ने पुलिस को बात बात में सुना दिया। मासूम के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी पिता से पूछताछ की तो वह टूट गया और चोरी की वारदात को अंजाम करना मान लिया। दरअसल मंडी में काम करने वाले एक मजदूर ने पड़ोसी के घर चोरी करने के लिए अपने एक साथी को बुलाया था। वह अपने साथ बच्चे को भी चोरी करने के लिए ले आया। चोरी का सामान बच्चे के सिर पर रखकर ही वे सब बाहर निकले। पूरे घटनाक्रम को सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटनाक्रम में पुलिस ने 5 साल के मासूम को भी आरोपी बनाया है। थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि 28 अप्रैल को भंवर कुआं इलाके में रहने वाले संतोष सोलंकी ने अपने घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज में 5 साल का मासूम भी चोरों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी राकेश और विजय दोनों ने घर में घुसकर चोरी की थी। आरोपी विजय ने बताया कि कई वर्षों से मंडी में काम करता है। बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी करने का मन बनाया। विजय ने कहा कि पड़ोसी की माँ अस्पताल में भर्ती थी और घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसने इसी घर को निशाना बनाया। इस काम में उसके दोस्त राकेश को भी साथ ले लिया। जब बच्चा साथ जाने की जिद करने लगा तो सोचा बच्चा साथ रहेगा तो कोई यह नहीं सोचेगा कि चोरी करने घुसे हैं। विजय ने पुलिस को बताया कि उसे मालूम था कि वह पकड़ा जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकेगा, इस कारण से चोरी का सामान उसने अपने रिश्तेदार के यहाँ रख दिया था। यही चोरी का सामान बच्चे के सर पर रखकर ले जा रहे थे। उसे यह नहीं मालूम था कि आसपास इलाके में कैमरे लगे हैं और बच्चे पर भी इस तरह का गंभीर आरोप लग सकता है। भंवर कुआं में संतोष सोलंकी ने थाने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी मां का बीते दिनों एक्सीडेंट हुआ था। उसे कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे अपने घर पर ताला लगाकर मां को देखने अस्पताल गए थे। इसी बीच घर से चोर नकदी सहित सोने चांदी के जेवर ले गए। सीसीटीवी खंगालने के दौरान राकेश और विजय अपने बच्चे के साथ इलाके से कुछ साथ ले जाते दिखाई दिए, जिस पर पड़ताल की गई और दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। की रिपोर्ट फरियादी ने 28 तारीख को लिखाते वक्त यह बताया था कि उसके घर में जो चोरी करने वाले कुछ संदिग्ध दिखाई पड़े हैं, जिसके उसने नाम भी FIR कराते वक्त लिखाए थे। उसमें एक नाबालिग बच्चे का नाम भी उसने लिखाया था, क्योंकि उसे CCTV फुटेज में वो बच्चा दिख रहा था।